Let's do question number 7th of exercise 3A, that is linear equation 2 variables. Question number 7th is solve each of the following system of equations graphically. Hame isko graphically solve karna hai, iska matlab hame x aur y ki aisi values nikalni hai jo in dono equation mein put karke kare to dono ko satisfy kare. Satisfy ka matlab hota hai ki left hand side right hand side ke equal aaye. To kaise karenge dekhiye. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब हम इस वाले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले आएंगे इजीली सॉल्व करने के लिए. तो हमने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 5, राइट. अब हमें x और y की ऐसी वैल्यूज रखनी है, उसके लिए हम ग्रिड बनाएंगे. तो हमने बनाई है ग्रिड और उसमें हम x और y की वैल्यूज रख देंगे, राइट. यहाँ आया x और यहाँ आया y. अब हम आप देखिए x की क्या वैल्यूज रखें कि ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए. तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखती हूँ तो y आएगा 5 upon -5/3, तो वो पॉइंट्स में आएगा. तो इसका मतलब अगर हम y को 0 रखते हैं तो -5/2 इजिली सॉर्ट आउट हो सकता है. तो हमने y को 0 रख लिया. पुटिंग y इक्वल्स टू 0, तो x कितना आया 2x प्लस 3y, y की जगह 0 इक्वल्स टू -5, तो 2x इक्वल्स टू -5 हो गया. x कितना आ गया -5/2, दैट इज -2.5 आ गया. तो हमें पता चला y अगर 0 होगा तो x होगा 2.5, लेकिन माइनस का, राइट. आप देखिए इसमें हम और क्या रख सकते हैं. अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो ये क्या आएगा प्लस का 3, इधर के ओके माइनस का हो जाएगा. तो माइनस का 8, 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट. तो पुटिंग y इक्वल्स टू 1, राइट. तो ये आया 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू -5. तो ये आ गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -5. 2x कितना आ गया -5 -3, राइट. तो ये आ गया हमारा 2x इक्वल्स टू -8. x कितना आ गया -8/2 -4, राइट. तो y अगर 1 है तो x है -4. अब लास्ट देखिए एक और पॉइंट रखना होगा हमें. अगर मैं y 2 रखती हूँ तो सॉरी अगर मैं y 2 रखती हूँ, या अगर मैं y 2 रखती हूँ तो ये 6 आ जाएगा प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया -11/2 या 5.5, इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है. तो हमने लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू -5, तो ये आ गया 2x प्लस 6 इक्वल्स टू -5. तो 2x कितना आ गया -5 और -6, 2x इक्वल्स टू -11 हो गया. तो x कितना आ गया -11/2, और वी कैन से दैट -5.5 हो गया. तो हमने y की वैल्यू अगर 2 रखी तो x आया हमारा -5.5. अब नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं. वो दे रखी है हमें 3x माइनस 2y -12 इक्वल्स टू 0. अब हम ये वाला 12 इधर ले आएंगे, राइट. तो हमने किया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, माइनस का था प्लस का हो गया. ग्रिड बनाएंगे x और y की वैल्यूज रखने के लिए. ये हमारी होगी ग्रिड, यहां हमने रखा x, यहां रखा y. यहां अगर y की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो x से डिवाइड हो जाएगा. इसी तरीके से x की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो y निकल आएगा. तो दोनों एक एक बार 0 रख लेते हैं. तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो ये आया 3 इंटू 0 -2y
इक्वल्स टू 12, तो यह है माइनस 2y इक्वल्स टू 12, तो y कितना आ गया 12 अपॉन 2 माइनस का, तो माइनस का 6 आ गया, तो हमें पता चला x अगर 0 है तो y है -6। अब y 0 रख लेते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, तो ये आया 3x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, तो 3x इक्वल्स टू 12 आ गया, x इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 दैट इज 4, तो y अगर 0 है तो x आ रहा है 4। आप थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या रखते हैं, अगर x 1 रखते हैं तो हमारा यहाँ इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, राइट। तो हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 1, राइट, तो ये आ गया 3 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 12, तो ये आ गया 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 12, तो माइनस का 2y कितना आया 12, 3 इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 9 आ गया, तो y कितना आ गया माइनस का 9 अपॉन 2, तो ये कितना आया माइनस 2 1 2 2 4 8.5। अगर आपको ये माइनस का सिस्टम ना समझ में आए तो आपको याद होगा कि हम माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, वो अब क्लास 10th में करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ लिख देंगे एक्स की अगर वैल्यू 1 है तो वाई आया -4.5, राइट। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी और ये इक्वेशन सेकेंड है, राइट, और ये इसके फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और ये सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अब फर्स्ट में दे रखा है अगर एक्स 2.5 है तो वाई 0 है, वाई 0 है तो एक्स माइनस का 2.5 है, तो किधर आया ये आ गया पॉइंट, तो हम मार्क कर देते हैं माइनस का 2.5 ये आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 2.5 और एक्स सॉरी वाई 0 है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक्स माइनस 4 है वाई 1 है, एक्स माइनस 4 है और वाई 1 है, ये आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया एक्स माइनस 4 है वाई 1 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्स 5.5 है वाई 2 है, तो एक्स 5.5 इधर आ गया और वाई 2 इधर आ गया, राइट, तो ये आ गया हमारा, दिस इज द पॉइंट, तो ये आया एक्स माइनस का 5.5 एंड वाई 2। अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी लाइन आ गई। अब इस पे लिख देंगे टू, ये कौन सी लाइन थी, 2x+3y+5=0 वाली, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स 0 है वाई माइनस 6 है, तो एक्स 0 वाई माइनस 6 ये वाला पॉइंट आ गया, राइट, तो यहां पे लिख देंगे हम एक्स 0 और वाई माइनस 6। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्स 4 है वाई 0 है, वाई 0 है एक्स 4 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो यहां पे हमने मार्क कर दिया है एक्स 4 है और वाई 0 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्स 1 है वाई -4.5 है, तो एक्स 1 है और वाई -4.5 है, ये वाला पॉइंट, तो हमने एक्स 1 वाई इसका 4.5 था तो ये यहाँ आ गया, तो एक्स 1 माइनस का 4.5। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स को आपस में मैच करा देंगे और लाइन नेम लिख देंगे कि कौन सी लाइन है, 3x-2y-12=0। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई का ऐसा पॉइंट चाहिए था जो दोनों वैल्यूज को, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, तो देखिए वाई की तरफ देखें
तो वो -3 है, और x की तरफ देखें तो वो 2 है, तो लाइन ड्रॉ कर देंगे। y हमारा पता चल गया -3 है और x हमारा पता चल गया 2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम x इक्वल्स टू हमारा 2 और y इक्वल्स टू -3 इज द आंसर।